कि बैंजो की फिल्म की शुरुआत हो या प्रमोशन की शुरुआत, ये भी बाप्पा के गाने से हुई है। और अच्छा लगता है कि जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हर मंडल में बाप्पा का गाना बज रहा है। सो इट जस्ट फील्स ग्रेट दैट आप उनके फेस्टिविटीज में भी अपने गाने के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हो। सो इट फील्स ग्रेट, आई एम हैप्पी एंड विशिंग एवरी वन ए हैप्पी गणेश उत्सव एंड बी सेफ। But how much you enjoy this festival a lot, and this time being a part of the promotion also, so how much you enjoy it? Well, I think all festivals are very exciting, but this one is probably the most exciting. And now being part of a film and promoting during this festival time, it's fun. Don't you feel that 23rd is a bit late for the release, rather than releasing this on this festival during the festival? We wanted the audience to enjoy our music and to wait for the film, because after they have really enjoyed the music during the festival, so they'll enjoy watching the film after everything is done. Nitesh ji sir, banjo, matlab now you completely playing the whole banjo, you completely know about the banjo, is it something nuances or something? Abhi jo festival ke dauran bahut se aise, main aap batao aap kaun se bhasha mein iska jawab do, aap batao na, aap english mein english bol jao, to hindi mein chalega? Okay, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंजो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए नया नहीं है। मेरे घर में बचपन में एक बैंजो हुआ करता था, मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंजो बजाया करते थे बैंजो पार्टी, लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 20 सालों में मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था। लेकिन आज जब ये स्क्रिप्ट आई और फिर ऐसा ऑप्शन मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंजो बजाऊँ, तो मैं ही नहीं कहता कि मैं उतनी अच्छी तरह बजा पाता था, पर यस मैं इंस्ट्रूमेंट को जानता था, तो मेरे लिए वो एलियन नहीं था। और देन वी वर्कड हार्ड, कई सारे बैंजो प्लेयर्स से मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई किस तरह बजाया जाता है बैंजो। खासकर बैठ कर बजाया जाता है लैप पर रख के, और रवि जी चाहते थे कि हम एक रॉक स्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करें, तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल, एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। होपफुली अगर आप प्रोमो देखे, गाने देखे, तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है। आप पर्सनली मानते हैं कि बैंजो कुड हैव बीन द इंटरनेशनली? नहीं, ये बैंजो की बात नहीं है, इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक जरिया है, तो हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, तो इट्स द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व विथ इट एंड बिहाइंड इट। और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है, कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका ये लुक पर भी बहुत सारी रस्सी खींच हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त हाउसफुल शूट कर रहा था जो इरोस की फिल्म थी, और उसी वक्त दो स्केड्यूल के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे, लेकिन कृष्णा और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए, तो वी पुश द फिल्म बाय 5 मंथ्स, और हम लोगों ने फिर आई स्टार्ट ग्रोइंग माई हेयर, ग्रोइंग माई स्टबल, वी वर्कड अ लॉट एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये सवाल, या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक जैसे मैं दिखा हूँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर, हु बिलीव दैट आई कुड पुल ऑफ समथिंग। Let me just tell you about the stage, because as an actor, I'm how much Marathi good things, okay. Marathi, I learned some words but I've forgotten them already. My only two words now is chakas and mustad. That's it, that's all I remember. And working with Ritesh is a blessing because he's such a wonderful person, first of all, a great actor, who helps me, a very caring person and easy to work with and a lot of fun, so I'm very lucky.
पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे कि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी सो बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट सो दिस वॉज वन ऑफ देम एंड इट वॉज वेरी इट हैड अ ब्यूटिफुल थॉट एज आई सेड अर्लियर इफ यू कैन गेट अ लिटिल रिस्पेक्ट टू ऑल द स्ट्रीट म्यूजिशियंस बाय After the movie is released, people have realized. I think we won a lot of heart. Of course, I just spoke to Ritesh. I said, whenever our song is playing, we just feel like dancing, or you know, our hands are moving, our feet are moving. And Ritesh, you? No, I just feel that कभी कभी हर फिल्म और जो भी इसके इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ का नसीब होता है वी वर लकी के एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हु हैव गिवन अ ट्रेमेंडस डांस नंबर दिस फेस्टिवल सो इट्स बीन ग्रेट आपने कितना एंजॉय किया वैसे मराठी जब सेट पे नहीं सी आई टेल यू व्हाट ऐसा लग रहा है लोगों को कि मराठी लोग एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय और इट्स नॉट इसका मिल्यू मराठी नहीं है इसका मिल्यू मुंबई है मुंबई बेस्ड तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है इट्स अ ह्यूमन स्टोरी तो यस डायरेक्टर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र आई एम अ मराठी बॉय लिविंग दैट असाइड आई थिंक इट्स अ स्टोरी के जो हर कोई रिलेट कर पाए आखिरी सवाल आपने भी इको फ्रेंडली गणपति बनाई और हमारा जो इनिशिएटिव है 9 साल पूरे हो गए हैं विक्रम गणेशा को जी और इसके साथ जुड़ के कैसा लगा नो आई थिंक मुझे लगता है कि अ बिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की पहली बार बनाने की कोशिश की थोड़ा बहुत बन गया पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आओ मेक योर ओन गणपति एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल क्या है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा जो हम उसे देते हैं वहीं हम वापस पाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस फॉर हैविंग दिस ग्रीन गणेशा राइट द बिग ग्रीन गणेशा इको फ्रेंडली गणेशा इनिशिएटिव एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर ग्लैड टू बी हियर सपोर्टिंग दिस कॉज एंड टॉकिंग अबाउट बापा ऋषिका जी आपको कैसा लग रहा है हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ते बिग ग्रीन गणेशा ही सेड इट ऑल इट्स वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल थिंग व्हाट यू स्टार्टेड